आपको तो बॉयकॉट की आदत हो रही है। सबसे पहले नई संसद भवन का उद्घाटन बॉयकॉट, राम मंदिर में उद्घाटन में उसका भी बॉयकॉट। बॉयकॉट करने से क्या होगा? तो फिर जाकर के मीटिंग में क्या होगा? लड़बो जीतबो रे होना चाहिए ना। तो लड़बो जीतबो करके तो इतना दूर तक तो पहुंचा, आ रहे थे 240 पर आ गए ना। जाके लीजिए ना, अपने राज्य का हक लीजिए ना। वन नेशन वन इलेक्शन होगा, बॉयकॉट। कोविड पर बैठक होगी, बॉयकॉट। विकसित भारत 2047 पर बैठक होगी, बॉयकॉट। ये संसद में जो है सर्वदलीय बैठक होगी, बॉयकॉट। आप सिर्फ बॉयकॉट बॉयकॉट करेंगे तो सुने कहाँ। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूँ मैं एक नए डिबेट सेशन में। तो बिना किसी देरी करते वीडियो को स्टार्ट। सब कुछ जलेबी आपने दे दिया बिहार आंध्र प्रदेश को और बाकियों के साथ भेदभाव किया है, फिर नीति आयोग की बैठक में आकर क्या चमत्कार हो जाएगा? देखिए, नीति आयोग की बैठक में जब 2047 विकसित भारत की नीति आयोग की बैठक थी, तब भी जो है कोई बजट तो आया नहीं था, तब भी 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने उसका बहिष्कार किया। और तो जाने दीजिए, कोरोना पर बैठक बुलाई उसमें बहिष्कार कर दिया, तब तो कोई बजट नहीं आया था ना। ये तो जो भारत का जो संघवाद की संकल्पना है, उस संकल्पना के विरोध में टुकड़े टुकड़े करने की जो आकांक्षा इनकी है, वो बारंबार इनके कंडक्ट से प्रकट होती है। बारंबार ये प्रयास करते हैं कि भारत के संवैधानिक संघवादी लोकतंत्र के विरुद्ध कैसे खड़े रहा जाए, कैसे विरोध कर दिया जाए। विरोध के लिए विरोध, आप जो है विरोध के लिए विरोध करने बैठेंगे तो इसी तरह की आप घटनाएं करेंगे, इसी तरह की हरकतें करेंगे। आपको लगता है कि हमें कुछ विरोध दर्ज कराना है तो नीति आयोग की बैठक में आकर भी आप अपनी बात रख सकते हैं। वहां कोई आपके मुंह पर जो है पट्टी बांधकर तो बुलाया नहीं गया है ना। आपको अपने राज्य की हितों के संदर्भ में आपके पास जो संकल्पना है वो पेश कीजिए, लेकिन आपको करना नहीं है। ममता, आपको तो बॉयकॉट की आदत हो रही है। सबसे पहले नई संसद भवन का उद्घाटन बॉयकॉट, राम मंदिर में उद्घाटन में वहां पर से निमंत्रण सरकार की तरफ से नहीं, उसका भी बॉयकॉट। तो एक बॉयकॉट की प्रथा चला दी है क्या आप लोगों ने? देखिए अंजना जी, विपक्ष की अहमियत को सब सरकार समझ ही नहीं पा रही है। हर चीज में अब ये नीति आयोग, ये बीजेपी का नीति यहां तय नहीं करना है, ये नीति आयोग देश का नीति तय करेगा और इसमें विपक्ष के नेता की भूमिका अहम होती है। लेकिन इसमें हर चीज में आपने देखा होगा, जब आप पार्लियामेंट, न्यू पार्लियामेंट की बात आपने की, तो क्यों बायकॉट किया गया इसके पीछे भी आप जाइए। क्यों महामहिम राष्ट्रपति महोदय से क्यों नहीं उद्घाटन कराया गया? नीति आयोग पे थोड़ा समझ नहीं आया। कहना ये चाह रहे हैं हाँ। कांग्रेस पार्टी ने इसका बहिष्कार किया राहुल, विपक्ष के क्यों नहीं अच्छा है? कांग्रेस पार्टी देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी ने इसका बहिष्कार किया है। बायकॉट करने से क्या होगा? बायकॉट करने से क्या होगा? जब हमारी बात उनकी बात ही नहीं सुनी जाएगी तो फिर जाकर के मीटिंग में क्या होगा? आपकी मनमानी करनी है। लड़बो जीतबो रे होना चाहिए नहीं, लड़बो जीतबो तो लड़बो जीतबो करके तो इतना दूर तक तो पहुंचा, आज तो जो 400 पार का नारा दे रहे थे 240 पर आ गए ना। जाके लीजिए ना, अपने राज्य का हक लीजिए ना। राज्य का हक तो आप देख रहे हैं कि अभी तो बोल रहे थे ना, हमारे भाई की मुख्यमंत्री जी को ही जेल में भेजा जा रहा है। ये हक क्या देंगे? खाक। अभी कह रहे थे आपकी पकौड़ा मिला कि जिलेबी मिला? हाँ, क्या मिला? खाक नहीं मिला, और आप कह रहे हैं कि पकौड़ा और जिलेबी दे दिया। क्या खड़गे साहब कह रहे हैं? आप तो कम से कम, खड़गे साहब ने ऑन रिकॉर्ड बोला पार्लियामेंट में वो कि आपने सारे पकौड़े और जलेबी दे दिया बिहार को, आंध्र प्रदेश को। उन्होंने ये कहा कि चूंकि जेडीयू का समर्थन था सत्ता बचाने के लिए, तो उनको झुंझुना दिखाया गया, लॉलीपॉप दिखाया गया, और जो पहले से स्वीकृत योजनाएं थी उसी को दिखा रहा है, रिपैकेजिंग करके दिखाया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 125,000 करोड़ की बोली लगाई थी, आप लोगों ने देखा था, और 40 करोड़ अलग से था, 1,65,000 करोड़ दे रहा हूँ, फूटी कौड़ी मिला क्या? मलुक साहब जवाब दीजिए। देखिए एक सेकंड हाँ। विपक्ष का ये आरोप है कि सरकार उनकी सुनती नहीं और कोई तरीका है नहीं उन तक अपनी बात को पहुंचाने का। हाँ, ले लीजिए। हाँ, देखिए आज प्रश्न ये पैदा होता है किसी भी टेलीविजन पर, कांग्रेस का प्रवक्ता क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि इन्होंने कहा है बिहार को और आंध्र प्रदेश को ज्यादा दे दिया, जलेबी दे दी, पकौड़े दे दिए। वही बिहार के लोग कह रहे हैं हमें कुछ नहीं दिया, झुंझुना दे दिया, रावड़ी देवी जी कह रही है, लालू प्रसाद जी कह रहे हैं, उनके प्रवक्ता कह रहे हैं। तो कांग्रेस ये नहीं तय कर पा रही है कि हमने गलत बोल दिया या सही बोल दिया, इसलिए वो किसी भी तरह आ नहीं रहे। अब बात आती है कि नीति आयोग में आपने भी कहा, आरजेडी के प्रवक्ता तिवारी जी ने भी कहा, सपा के प्रवक्ता जी ने भी कहा कि वहां नीतियां
बनती हैं, जब वहां नीतियां बनती हैं, इनको देश के लिए, देश की जनता के लिए नीतियां बढ़िया बने उससे कोई मतलब नहीं है। इनको स्वार्थ में आके ये मतलब है, अगर बायकॉट करेंगे तो पूरे देश के मीडिया का अटेंशन मिलेगा और इस पर चर्चाएं होंगी, बहस होंगी। ये केवल अपने आप को, अपनी पार्टी को बढ़िया जिंदा रखने के लिए, स्वार्थ में सोचने के लिए और देश की परवाह ना करके, देश के लोगों की परवाह ना करके, देश के नौजवानों के लिए नीतियां बढ़िया बने परवाह ना करके, सारे प्रदेशों में तरक्की हो परवाह ना करके बायकॉट कर देते हैं। कहीं भी कोई बात आओ संसद में जाएंगे बायकॉट, संसद में कोई आगे चलेगी संसद या किस समय चलेगी नहीं चलेगी बहस होगी, बायकॉट, नई पार्लियामेंट बनेगी बायकॉट, और कोई भी देश के हित में जनता के हित में बात आएगी बायकॉट बायकॉट बायकॉट। फिर क्यों 70वीं लोकसभा में अंजना जी मैंने 864 मुद्दे उठा करके पहले भी कहा टॉप पे मैं रहा और वहां संसद के 3 सत्र आखिरी चले नहीं, खाली रह गए। 10 करोड़ रुपए एक दिन का नुकसान होता है, देश की गाढ़ी कमाई पैसा का वेस्ट होता है और 20 लाख लोग जो हम सांसदों को चुन के भेजते हैं उनके मौलिक अधिकार और जो संसद में काम करते हैं, खत्म कर रहा हूं बस, खत्म कर रहा हूं। देश के जो 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 लोग 20 लाख चुन के भेजते हैं उनके भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है। नहीं, देश की गाढ़ी कमाई का पैसे का मतलब क्यों नहीं बताते, मतलब ये नहीं देते और ये यहाँ भी आके प्रेम शुक्ला जी एक सवाल मुझे पूछे थे। प्रेम शुक्ला जी, ये तो जनता ने तय किया इस बार, उनको एक मजबूत विपक्ष चाहिए था, तो अच्छा है, हम तो उनका स्वागत कर रहे हैं, आइए बैठक में। आप उनकी बात नहीं सुनते तो क्या करेंगे, उनको ये कौन सी बात नहीं सुनिए बताए। अभी आप जो है वन नेशन वन इलेक्शन होगा बॉयकॉट, कोविड पर बैठक होगी बॉयकॉट, विकसित भारत 2047 पर बैठक होगी बॉयकॉट, ये संसद में जो है सर्वदलीय बैठक होगी बॉयकॉट। आप सिर्फ बॉयकॉट बॉयकॉट करेंगे तो सुने कहां भाई, आप विपक्ष की सुनते क्या है? अरे पूछ तो रहा हूँ, कहां नहीं सुनी, कौन सी बात नहीं सुनी, पूछ तो रहा हूँ मैं, कौन सी बात नहीं सुनी, कौन सी बात नहीं सुनी ये बताएं, कौन सी बात नहीं सुनी। अरे यार अजीब है, वन नेशन वन इलेक्शन बीजेपी का इलेक्शन था, नीति आयोग की बैठक भी बीजेपी का, अजीब अजीब है भाई, जितने राजनीति कितने नीचे तक जाएगी, जितने का उदाहरण दिया है उत्तर हमने कहा अंजना जी। ठीक है ठीक, देखिए दरअसल जो पब्लिक इंटरेस्ट में इनको काम नहीं करना है, पब्लिसिटी इंटरेस्ट में काम करना है, 240 पर इनका पब्लिसिटी इंटरेस्ट में काम है। जनता का वर्डिक्ट है इस बार, जनता को भी लगा कि विपक्ष को आप बोलने नहीं देते, विपक्ष की आवाज तेज नहीं है, तब ज्यादा सीट दी है इनको, और हमको 240 दी, जितना सब मिलकर नहीं पाए, 4 सीट वाले जो है 240 सीट वालों को सिखा रहे हैं, इनसे 60 गुना अधिक पाए, इनसे 60 गुना अधिक पाए, कितना 60 गुना अधिक, अरिथमेटिक आया है, हमसे 4 गुना अधिक, 4 सीट है ना आपकी, 4 is greater than 240, यही कह रहे हैं, नया है नया गणित, आप अंजना जी आपको ये बता देते हैं, बिहार में सबसे ज्यादा वोट आरजेडी को मिला है, सीट हम भले 4 लाए हैं लेकिन पिछले बार कितना सीट था, ये सारे पूरे देश की शक्तियां लग गई, लेकिन इसके बाद भी तेजस्वी यादव जी को सबसे ज्यादा वोट वहां मिला। हम बहुत सारे कारण होते हैं, उसके कारण से हम सीट की संख्या बहुत ज्यादा नहीं ले पाए, उनकी पार्टी को इतना लेकिन सीट मिल गया। 400 पार का नारा क्या हुआ इस पर, मैं लड़ा नहीं रही हूँ आप दोनों को, लेकिन उनके नेता तो बहुत सीट लेकर आए इस बार, वो संदेश है पूरे देश के लिए, आप कुछ नहीं कर पाए। अयोध्या हमने बोल दीजिए, हमारा 4 ही मेंबर पार्लियामेंट में देख लीजिए विपक्ष की भूमिका में किस तरह से तेवर दिखा रहे। तो भाई देखा जाए, हमारा विपक्ष से बहुत बड़ा सवाल है कि भाई अगर आप किसी मीटिंग में आप जाओगे नहीं, कहीं आप बैठक करोगे नहीं, तो आपकी बातें कहते हो आपकी बीजेपी हमारी बात नहीं सुन रही नहीं सुन रही, अरे भाई बात आपकी सुने कहाँ। देखो भाई, जो मीडिया वीडियो में आदमी जाके बोलता है वो कुछ बढ़ा चढ़ा के आदमी बता देता है, लेकिन जब आप पार्लियामेंट या फिर इन सब अगर अदर मीटिंग्स में अगर आप बैठते हो तो वहाँ पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट बात होती है, इतने लंबे लंबे भाषण नहीं चलते। तो भाई जब आप वहाँ पे जाके मेन अपनी बात नहीं रखोगे तो कहाँ से बीजेपी आपकी बात सुन पाएगी। अब भाई बीजेपी पे इतना टाइम थोड़ी ना हर एक का आपका जाए डिबेट वगैरह सुने, आपका भाषण सुने नहीं भाई, आप पार्लियामेंट में आओ, आप पार्लियामेंट में पॉइंट टू पॉइंट डॉट टू डॉट बात करो, तुरंत उसका जवाब लो, क्यों गलत किया क्यों सही किया, पार्लियामेंट में बात होगी, ऐसे डिबेट चैनल पर थोड़ी ना बात होगी। क्योंकि पार्लियामेंट में अगर आप देखो हेड ऑफ द जो पार्टीज होते हैं, जैसे यहाँ पे देख लो अपने नरेंद्र मोदी जी हैं, बीजेपी रिप्रेजेंट कर रहा है अखिलेश यादव सपा को, राहुल गांधी कांग्रेस को, अगर ये तीनों एक साथ खड़े होकर अगर अपनी बात पे वाद विवाद करेंगे भाई तो वो ज्यादा बेटर है, उससे हमें ज्यादा क्लियरिटी आएगी, हाँ सरकार क्या क्या चाह रही है, ऑपोजिशन क्या क्या चाह रही है, ऑपोजिशन को क्या लग रहा है, सरकार गलत कर रही, सरकार को क्या लग रहा है, ऑपोजिशन गलत कर रहा है, एक साथ हमें चीजें जानने को मिलेंगी। लेकिन नहीं, आप लोग तो बॉयकॉट बॉयकॉट बॉयकॉट, भाई कोविड वाले तो बॉयकॉट, वन नेशन वन इलेक्शन, भाई इससे क्या दिक्कत है, तो आपने बॉयकॉट कर दिया,
अभी आप नीति आयोग की बात करिए, यहाँ पे अभी अब आप कह रहे हो कि बिहार और आंध्र प्रदेश को अगर ज़्यादा मिला है तो आप उसका अपने बॉयकॉट ना करके आप नीति आयोग में उसका मुद्दा कैसे उठाइए कि यहाँ से अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे इनको इतना पैसा ज़्यादा मिला, आप इनको यहाँ से हटा के हमारे इसी क्षेत्रों में दीजिए, हमें यहाँ पे इस कारण से हमें ज़्यादा ज़रूरतें हैं। तो भाई उस पर आदमी नीति आयोग में आराम से बात भी तो करे। और अब आप बॉयकॉट करके टीवी पे सोचो कि हम चिल्ला के एकदम जो है मतलब हीरो बन जाए तो वो थोड़ी ना बात होती है। सो यार दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो का। ऐसे और अमेजिंग रिएक्शन के लिए आप हमें लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगला डिबेट में किस टॉपिक बनाओ आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।